लो जी अभी हो चुके हैं दोस्तों, हमें कम से कम पौना घंटा हो चुका है ट्रैकिंग करते हुए, और अभी थोड़ा रास्ता भी ठीक आया है, ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं वहाँ पर। मे बी शायद 10 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप कितना जंगल का नज़ारा लीजिए। लो जी दोस्तों, हमने हरिंदर जी को पीछे छोड़ दिया है और अब हम आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास डंडा है। यहाँ से रास्ता तो बड़ा शानदार लग रहा है, पगडंडी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी हाइट है, 2 या 3 किलोमीटर की हाइट होगी। ये देखिए यार, ब्लॉगर लाइफ ही कैसी होती है, बड़ी परेशानी वाली होती है। आप सोच सकते हो कि ऐसे ही नहीं ब्लॉग बन पाते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत आप देख सकते हो। इस गर्मी में, उमस भरे मौसम में हम ट्रैक कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि कुछ आप लोगों को नया दिखाएं हम। और जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों ने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और अच्छी वीडियो को वो देख सकें। लो जी दोबारा से अच्छे वाली चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, आप कहते हो कि व्लॉग करना आसान होता है, कहीं का आप व्लॉग डाल दो वो चल जाएगा, हिट हो जाएगा, बट नहीं, व्लॉगिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए, ये हो रही है हमारी मेहनत व्लॉगिंग के लिए और आप पसीना देख रहे हो। असल में यही व्लॉगिंग का मोटिव है कि अच्छी वीडियो बनाओ, अच्छा व्लॉग बनाओ काफ़ी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। रविंदर जी क्या कहते हो आज के ब्लॉगिंग के बारे में? अल्टीमेट, बहुत मज़ा आया। फाइनल डिसीजन वाज वेरी गुड कि हमने यहाँ आना है। इट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी वंडरफुल। सो काफ़ी दिलचस्प है, डेंजरस है, थोड़ा डर भी है क्योंकि हम दो ही लोग हैं यहाँ पे जी। जंगल है, घना जंगल है और पता नहीं कोई हमें मिल पाएगा, कोई नहीं मिल पाएगा। हमारा जैसे इंटरेस्ट है कि हम घूमें, हम अलग अलग जगह देखें, वंडरफुल प्लेसेस देखें, उसको एक्सप्लोर करें, दैट इज़ आवर इंटरेस्ट। सो सम व्लॉगर्स की है कि वो घर पे ही बनाना चाहते हैं, सम स्टोरीज, सम आइडियाज दे वांट टू डिस्क्राइब, सो दे हैव देयर ओन आइडियाज। ओके, दैट्स इट। चलो फिर आगे करते हैं और स्टार्ट। यस, अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता और पड़ा होगा ऊपर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बीच में स्टे बनता है ऐसे, 5-5 मिनट का स्टे, उससे थोड़ा एनर्जी आ जाती है शरीर में। लो जी दोस्तों, 1 घंटा हो चुका है और ये, यस, हम आ चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन दरगाह जी के पास, लाला वाला पीर जी की दरगाह पर। ये देखिए काफ़ी हाइट है दोस्तों और पहुंच चुके हैं हम लाला वाला पीर जी की दरगाह, और अंदर जाके हम मत्था टेकेंगे और आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे हम। सूर्य निकाल देते हैं यार। हाँ हाँ, सूर्य निकालने पड़ेंगे और ऊपर मत्था टेक के वापस आएंगे। लो जी डंडा में ही रख देते हैं। यस, ऑसम, पीर जी को नमन करेंगे हम थोड़ी देर बाद। छोटी सी कुटिया बनी हुई है, आई थिंक यहाँ पर कोई रहता होगा, बट अभी तो कोई नहीं है यहाँ पर। व्यू देखिए आप दोस्तों, ओहो, ठंडी हवा चल रही है, आप वीडियो में देख सकते हो।
कि पेड़ भी हिल रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा है। यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है, देखो तीन चार तरफ से रास्ता, इधर से भी रास्ता है, तीन चार तरफ से रास्ता है, यहाँ पे बड़ी पब्लिक आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ से हम आपको व्यू दिखाएंगे और फिर हम अंदर आपको लेके जाएंगे। और आप थोड़ा देख सकते हो, फॉरेस्ट के लिए बना हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर रहते होंगे। और ये व्यू देखिए, लो जी पीर बाबा जी के दर्शन करते हैं। आप दर्शन करिए लाला वाले पीर जी की दरगाह पर, जहाँ पर हम आज आए हैं। और ये देखिए पीर बाबा जी की दरगाह, जय बाबा जी की, बाबा जी की टोपी रखी हुई है। इधर हमने चिराग जला दिया है, कैसे हमें जाना कुछ नहीं पता, बट हमने थोड़ा तेज पड़ा था यहाँ पर और चिराग जला दिया है। बाबा जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर भी लगी हुई है। ये चिराग हमने अभी जलाया है, धूप लगा दी हमने। वैसे तो कोई यहाँ पर नहीं है सेवा करने के लिए, बट जो भी साधन थे यहाँ पर, जैसे कि तेल पड़ा था, अगरबत्ती पड़ी थी, हमने यहाँ पर लगा दी है। और हम अब थोड़ा नीचे उतरते हैं क्योंकि इवनिंग का समय हो चुका है, हमें घर भी वापस जाना है अपने। और ये देखिए आप व्यू जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन लाला वाला जी की पीर की दरगाह पर। और आप देख सकते हैं पीछे पीर बाबा जी का दर्शन कर लिए हमने। और आपको पीछे का थोड़ा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा पीछे का व्यू है यहाँ से। देखिए दोस्तों, है ना शानदार व्यू, दिल करता है कि बस यहीं पर रह जाएं, यहीं पर बाबा जी के भक्त बन जाएं हम। और यहाँ पर इस पहाड़ों का, इस खूबसूरती वादियों का मज़े लें। और देखिए हमारे पीछे क्या व्यू है शानदार। और आपको लग रहा होगा कि हम थक चुके हैं, हम जब हम सफ़र कर रहे थे उस दौरान हम थक चुके थे काफ़ी, ठीक है, बट जैसे ही हमने अभी टॉप पे हम पहुँचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, थकान बिल्कुल गायब हो चुकी है क्योंकि यहाँ व्यू बड़ा ही शानदार है। फ्रेंड्स ये देखिए पीछे आप, है ना अल्टीमेट व्यू, पहाड़ों के बीच में हम, पीछे वादी हैं पहाड़ों की, चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, पहाड़ हैं। और हम टॉप पे बाबा जी के दर्शन करने आए हैं आज, और हमने कम से कम एक घंटे की चढ़ाई की यहाँ पर आने के लिए। और आई थिंक ये जो गांव से 3 या 4 किलोमीटर अबव हाइट थी। और पीछे का व्यू का आनंद लीजिए, अल्टीमेट व्यू। और आपको थोड़ा मैं और दिखा देता हूँ इस साइड से भी व्यू, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ घूमने का बना हुआ है बाबा जी के यहाँ पर। और हरिंदर जी भी अपनी वीडियो शूट करने पर लगे हुए हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, आई थिंक वो लाइव हैं फेसबुक पर। तो ये है दोस्तों, और यहाँ पर हम एक आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर आए हुए, पीछे बाबा जी के दर्शन हमने किए, श्रद्धा है बाबा जी के प्रति हमें। और हम चाहते हैं कि बाबा जी हमारी सबकी, जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों अब फिर नीचे चलते हैं और थोड़ा सा और वीडियो बना लेते हैं नीचे जाके।